believes he's got his man from getting to the semis. It's all over. It's all over. Pakistan have beaten South Africa here. That's on their way home. ये वो मनाजर हैं जो आपने देखे जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को सुपर एट मरहले में शिकस्त दी और एक और खुशकिस्मती पाकिस्तानी टीम के साथ लगी तो फैसला हो गया कि पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज भरपूर तैयारियां जारी हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 का सेमीफाइनल सेंट लूशिया में खेले जाने वाला है। दोनों टीमें सेंट लूशिया पहुंच चुकी हैं लेकिन इसके साथ साथ आज दिन भर बारिश भी होती रही। अब जो इत्तला आ रही हैं कि टीमें तो पहुंच चुकी हैं, मौसम अब क्लियर है, मौसम अब साफ है, लेकिन बहरहाल इन इम्कानात का इजहार किया जा रहा था कि बारिश की वजह से मैच मुतासर हो सकता है। पूरी पाकिस्तानी कौम दुआ गो है आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कि आज हर सूरत में पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जीते और अपना एजाज का दिफा करते हुए पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे। पाकिस्तान अपने पहले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी खेला था, दूसरा T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीत लिया था और आज एक बार फिर पाकिस्तान के लिए मौका है कि वो तीसरी बार ये एजाज हासिल करे कि वो फाइनल में पहुंचे। पूरी कौम दुआगो है और पूरी कौम के साथ साथ पाकिस्तान के जो साबिक स्टार क्रिकेटर्स हैं वो भी दुआगो हैं कि पाकिस्तान हर सूरत में ये मैच जीते। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे नवीद अर्शिद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्या कहते हैं। Goes for a six, hands on the board, Pakistan. Brilliantly hailed it with Afridi. कौम की दुआएं रंग ले आईं और पाकिस्तान तीसरे T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना होगा इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से, जिसको टाइटल के लिए हॉट फेवरेट करार दिया जा रहा है। Well, first aerial shot of the innings. पाकिस्तान जीतने वाली आप बात करते हैं तो वो उसी सूरत में जीत सकता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम गलतियां कर दे और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें। Still a doable job. पाकिस्तान की टीम शाहिद खान आफरीदी की क्यादत में टाइटल का दिफा करते हुए T20 वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीमों में अपनी जगह बना चुकी है, जिसमें टीम की कारकर्दगी से ज्यादा खुशकिस्मती का दखल रहा। Shot finds the gap. He's off the mark with a lovely... कुदरत की मेहरबानी कहें, कौम की दुआ कहें, टीम को सेमीफाइनल में जगह भी मिल गई। ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं कि वो हार नहीं सकती, शिकस्त नाकाबिले शिकस्त कोई दुनिया में चीज नहीं है। T20 के आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 4 मैचेस खेले गए, जिनमें दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैचेस में कामयाबी हासिल की। सेमीफाइनल में कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फतह हासिल करके T20 वर्ल्ड कप के फाइनल खेलने की हैट्रिक मुकम्मल कर सकती है। तमाम के तमाम क्रिकेटर्स और पूरी कौम दुआ गो है कि पाकिस्तान हर सूरत में आज का सेमीफाइनल जीते, क्योंकि पाकिस्तान प्रेशर में अच्छा खेलता है और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अब आखिरी मराहिल हैं तो पाकिस्तान को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। किस तरह से आज पिच बिहेव करेगी, पाकिस्तानी टीम की कमज़ोरियां क्या है, किस तरह से कमज़ोरियों पर काबू पाएगी, इन तमाम सवालात का जवाब हम लेंगे। सेंट लूशिया से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मुमताज़ कमेंटेटर, बैनुल अक्वामी कमेंटेटर रमीज़ हसन राजा। बहुत बहुत शुक्रिया रमीज़। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज के दिन टॉस की अहमियत क्या है, जब टॉस कोई भी टीम जीतेगी उसकी क्या अहमियत होगी और कितना पल्ला उसका भारी रहेगा? जी जाहिर सर, टॉस की बहुत अहमियत होगी क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, इनफेक्ट 2 दिन से बारिश हो रही है और आज तो सुबह कोई मेरे ख्याल में 6 बजे से हो रही है और अभी तक नहीं रुकी है। सो टॉस किस लिए होगी अहमियत, क्योंकि पिच जो है, जैसे कि आपने पिछले मैच में भी देखा था, थोड़ा सा उसमें वेरिएबल बाउंस था, एक्स्ट्रा बाउंस भी था क्योंकि सूरज नहीं निकला तो इतनी प्रिपेयर्ड नहीं है ये पिच। दूसरा, डकवर्थ लुइस सिस्टम जो है वो आई थिंक आज इंप्लीमेंट हो सकता है, बारिश की वजह से शायद गेम चले फिर रुक जाए, चले फिर रुक जाए, तो बैटिंग सेकेंड जो है वो ऐसी सिचुएशन में हमेशा मुफीद होती है। अब देखना ये है कि क्या ब्राइट सनलाइट आती है जब मैच अभी 1-2 घंटे हैं शुरू होने में, और उस वक्त सिचुएशन क्या होती है, मगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टॉस जो है वो आज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये अभी जो इत्तलात हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि अब जरा बारिश रुक गई है और धूप निकल आई है, लेकिन अगर रमीज बारिश होती है तो फिर इसका फायदा किसको पहुंचेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है जैसे कि आपने खुद भी फरमाया डकवर्थ लुईस सिस्टम अगर अप्लाई होगा तो फिर तो जाहिर है ये फायदा ऑस्ट्रेलिया को चला जाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है, मगर इतने कोई खराब हालात नहीं है, मुझे मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी देर के बाद ये क्लाउड जो है लिफ्ट हो जाना चाहिए।
छोटे मैच में देखें ये वैसी 2020 क्रिकेट है, पाकिस्तान का इसमें इसलिए भी चांस हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि ये हमारे अब खून में रस बस गई है ये 2020 का कल्चर। और अब वही बात है कि अगर आपने पहले बैटिंग कर ली और स्कोर कर दिया और सेकंड राउंड अगर डकवर्थ लुईस आ जाता है तो फिर आपको टारगेट का अंदाजा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से छोटा मैच हो या पूरा मैच हो इस सिचुएशन में, क्योंकि बारिश अगर आती है और उसमें रुकावट डालती है तो सेकेंड टाइम बैटिंग में आपको टारगेट की समझ आ जाती है। अच्छा रमीज, बारबाडोस के मुकाबले में कहा जा रहा था कि बेहतर हुआ कि ये जो सेमीफाइनल है ये सेंट लुशिया पर खेला जा रहा है क्योंकि बारबाडोस की पिच जो थी वो शायद इतना हेल्प ना करती, सेंट लुशिया की जो पिच है या यहाँ पे जो जाहिर है मौसम है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और फिर ऐसी सूरत में स्पिनर्स जो हैं खसूसी तौर पर उनका रोल बड़ा अहम होगा। इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि एक तो वहां पे सारी सब कॉन्टिनेंट टीम्स को प्रॉब्लम था, एक्स्ट्रा बाउंस था, थोड़ा अर्ली मूवमेंट की, और अब नाज़रीन को तो इल्म हो गया है कि ये जो पहले 6 ओवर्स की गेम है अगर इसमें आप एग्रेशन दिखाएं और आपके पास एक तरह से फ्लो आ जाए तो वो सारा मैच के ऊपर इम्पैक्ट करता है। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास फास्ट बॉलर हैं और ये पहले 5-6 ओवर्स में सब कॉन्टिनेंट टीम्स को ये बाउंसर के ऊपर इन्होंने खासा तंग किया, इंडिया भी एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान टू अ सर्टेन डिग्री एक्सपोज हुआ है, श्रीलंका भी जो है इंपॉर्टेंट मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। यहाँ पे जो पिच है वो उसमें उस तरह वेनम नहीं है, उस तरह का बाउंस नहीं है। अब आज का मुझे इल्म नहीं है क्योंकि जब ये कवर्स पड़े रहते हैं पिच तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है, इसमें रोलिंग ज्यादा नहीं होती है तो इसमें इनकंसिस्टेंट बाउंस भी पैदा हो सकता है। तो ये बारिश की वजह से खासी आई थिंक आप समझ ले थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर होगा टीमों पे कि करना क्या चाहिए और ये किस तरह से पिच बिहेव करेगी, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का बेस्ट चांस जीतने का सेंट लुशिया में ही है। और सारी मेंटल गेम अब रह गई है सब, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पिछले 5-6 महीने से कोई खास मैच जीतने ही नहीं दिया और जो पूल मैच भी हुआ उसमें भी उनकी खासी धुनाई हुई। तो अब पाकिस्तान को करना ये है क्योंकि ये अब डायनेमिक्स बदल गए हैं इस गेम के, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंसेज जो आप करते आए हैं वो काउंट नहीं होंगी, एक परफॉर्मेंस के ऊपर दारोमदार रह गया है जो कि अब सेमीफाइनल है। तो स्टेज बहुत बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी तरह से खेलते हैं और कहीं हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की तो इनकी बैटिंग, इनकी जो अप्रोच है बैटिंग की वो नहीं बदलती है, वो मारते रहते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस पीछे आके भी क्वालिटी है तो उसी रिदम से खेलते रहेंगे। तो पाकिस्तान को तो इन पे हमला करना है स्पिनर्स के थ्रू, और पहले इन्होंने हफीज को यूज किया था पिछले मैच में, उन्होंने बहुत रन दे दिए थे। मेरे ख्याल से जब आप स्पिन यूज करें पहले 5-6 ओवर्स में तो अपना बेस्ट स्पिनर यूज करें क्योंकि आइडिया ये है कि आप इनकी विकेट्स ले सकें। और रमीज आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, हम अपने नाजरीन को रिपोर्ट दिखाते हैं कि मुख्तलिफ जो गुज़श्ता T20 के फाइनल्स थे उसमें पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही। 2007 में ICC वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप का मेला जनूबी अफ्रीका में सजा, जहां शुएब मलिक की कयादत में पाकिस्तान की नौजवान टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को हराया, जबकि टाई मैच के बाद बॉल आउट पर फतह भारत को मिल गई। सुपर 8 में कौमी टीम ने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को हराया। सेमीफाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड के भी दांत खट्टे कर दिए, लेकिन फाइनल में मिसबाल हक की उल्टी शॉट पाकिस्तान को ले डूबी और पहला T20 फाइनल भारत ने 5 रन से जीत लिया। 2009 का T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, जहां कौमी टीम के नए कप्तान यूनिस खान थे। ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ 48 रन की शिकस्त से हुआ, लेकिन कौमी टीम हॉलैंड को 82 रन से हराकर सुपर 8 में पहुंच गई, जहां श्रीलंकन टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 19 रन से मात दी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और आयरलैंड को हराकर सेमीफाइनल की सीट पक्की कर ली। सेमीफाइनल में बड़े मैच हारने वाली बदकिस्मत जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान का निशाना बनी। फाइनल में श्रीलंकन टीम को पाकिस्तान ने 8 विकेट से हराकर पहली बार T20 का मेला लूट लिया। वेस्ट इंडीज में जारी तीसरा T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। सिर्फ 2 फतूहात के बाद कौम की दुआओं और किस्मत की देवी ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है, जहां टूर्नामेंट की नाकाबले शिकस्त टीम ऑस्ट्रेलिया इसे फिर जेर करने के लिए तैयार खड़ी है। कौमी टीम की रंग बदलती कारकर्दगी और शायकीन की दुआओं ने पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा दिया तो फिर इसे दोबारा T20 चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकेगा।
पाकिस्तानी टीम तैयार है ये सेमीफाइनल खेलने के लिए। टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी, जो उमर अकमल की फिटनेस है वो भी इतलात आ रही हैं कि अब उनकी फिटनेस हो गई है, ये क्या कुछ होगा, इसी पर हम बात करेंगे। रमीज राजा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन वक्त वो चाहता है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी इसी मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।